तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में हम लोग करने वाले हैं थोड़ी बहुत तैयारी जो कि मेरी शादी से वेडिंग से रिलेटिव है। तो आज के जो वेडिंग में होने वाला था, आपको सभी को पता है जो शादी के बाद दहेज वगैरह देते हैं, जो टीका लगाते हैं, उसके बाद उनको कुछ गिफ्ट दिया था। तो उनके गिफ्ट के लिए हम लोग अभी जो है मम्मी और मैं यहाँ पर टिफ़िन वगैरह लाए हैं, तो वो तैयार कर रहे हैं। और मम्मी तो उसके लिए भी तैयारी चल रही है, तो अलग से तैयारियां यहाँ पे चल रही है उनके लिए। लिफाफे वगैरह, सूट और धोती वगैरह, उन सब का अलग अलग चीज़ है, वो सब चीज़ें पैक है, तैयार है। और अभी हम तैयार कर रहे हैं यहाँ पे टिफिन। तो ये गिफ्ट टिफिन है, यहाँ से जो टीका लगाएंगे वो लोग गिफ्ट को देंगे। तो सब टिफिन सेट ये जो है वो पैक हो चुके हैं। तो वैसे तो लोग कहते हैं कि लड़की की शादी है तो काफी कुछ देना, दहेज वगैरह बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन अभी जो रिसेंट में चल रहा है वो काफी कुछ है, दोनों का सिमिलर ही रहता है, लड़कों और लड़कियों का सेम ही रहता है। देखो, लड़कियों का आपने दहेज दिया तो आपने जो है जिस चीज का आपको निमंत्रण आएगा वही चलता है। तो लड़कों में ऐसा होता है, आपने जिनको निमंत्रण दिया है वो तो आएंगे ही आएंगे। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं, रिलेटिव होते हैं, बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में होते हैं, बहुत सारे होते हैं, वो आते हैं, टीका वगैरह लगाते हैं, तो उनके लिए भी उनको शगुन का कुछ तोहफा तो देना ही पड़ता है, अपने हाथ से भी हम लोगों ने देना पड़ता है। तो उसी की तैयारियां हैं, तो दिखाते हैं और क्या क्या सामान है जो यहाँ पे मेरी वेडिंग के लिए यहाँ पे शॉपिंग के बाद हम लोगों के पास आया है। देखे थे ये टिफिन वगैरह हैं जो हमने पैक कर लिए हैं शगुन के लिए, और ये जो है यहाँ पे साड़ियाँ वगैरह हैं, ये सब साड़ियाँ हैं जो दहेज के हमने मतलब उन लोगों को देना पड़ेगा, गिफ्टेड हैं। और ड्रेसेस वगैरह हैं, सूट वगैरह हैं, पेंट वगैरह के कपड़े हैं थोड़ा बहुत, और कुछ भी है, बहुत सारे आइटम्स हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो दूल्हे को अक्सर मतलब टीका लगाने के बाद जो भी दूल्हे को टीका लगाता है दुल्हन को, तो उसके उपलक्ष्य में उनको गिफ्ट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए हैं। और तो जी हाँ दोस्तों, दोस्तों की वेडिंग के ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा बना लिए मैंने, उसके बाद थोड़ा सा अपने लिए भी कर लेता हूँ, क्योंकि अपनी वेडिंग का जो है ब्लॉग और वगैरह तो शूट शादी में तो होगा नहीं, तो थोड़ा बहुत है जो हम अभी शूट करने वाले हैं। तो आज का जो ब्लॉग होने वाला है, थोड़ा बहुत मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें ली हैं मैंने। एक यहाँ पर शेरवानी ली है, और एक यहाँ पर ये चिकन का कुर्ता है, तो मुर्गी वाला कुर्ता नहीं, मेरे लिए है जो कल रिंग सेरेमनी में मैं पहनने वाला हूँ। तो आपके आपको पसंद आएगा कि मैं कैसा लगता हूँ, क्या लगता हूँ करके, बहुत सारी चीज़ें कल आपको दिखाएंगे तैयार होके की, और बहुत सारी चीज़ें हैं। और नीचे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ नीचे कपड़े पड़े, ये बॉक्स है, उसके अंदर भी बहुत सारे कपड़े हैं जो कल हम यहाँ से लेके जाएंगे लड़की के यहाँ तक। तो हम लोग वहाँ जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है और सारी चीज़ बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ आपको दिखाने वाले हैं, कि कुछ कुछ सरप्राइज है, तो चलो चलेंगे और दिखाएंगे आपको वहाँ का नज़ारा और क्या क्या गिफ्टेड है और कैसा रहता है रिंग सेरेमनी का ये व्लॉग। चलो चलते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे में। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें सिमिलर होती हैं लड़के लड़कियों की शादी में। तो गिफ्टेड जो आपने देखा अभी तक, हम लोग पैकिंग कर रहे थे, उसके बाद बहुत सारे पैक्ड जो गिफ्टेड आ रखे हैं उनको भी अभी हमने वो करना पड़ेगा, बाद में देखना पड़ेगा, उनमें भी जो है थोड़ा बहुत सुकून के कुछ पैसे वगैरह तो डालने ही पड़ेंगे। तो वो सारी चीज़ें भी होंगी आगे को कल परसों में, क्योंकि सभी लोग धीरे धीरे आ जाएंगे। अभी कल है 24, कल रिंग सेरेमनी के जाने में, उसके बाद आगे के जो है
ब्लॉग्स धीरे धीरे आते रहेंगे, अभी तो थोड़ा सा वेटेड है, आपको ब्लॉग थोड़ा सा लेट मिलेंगे। तो चलो चलते हैं और फिर से ब्लॉगिंग का कुछ नया नज़ारा दिखाएंगे आपको पहाड़ों की तरफ से, पहाड़ी वेडिंग में। चलो चलते हैं, इंजॉय करते हैं छोटे मोटे ब्लॉग, और भी मेरे साथ बने रहिए। और आगे को भी कोशिश करूँगा कि बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आए, और बहुत सारी चीज़ें आपसे बात करनी बाकी है, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी डिले हो जाते हैं मेरे, और काफ़ी लंबा समय हो जाता है, टाइम नहीं दे पाता हूँ, और उसके लिए आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ। क्योंकि देखो, आप मेरी फैमिली हो तो आपके साथ इस तरीके से टाइम स्पेंड करना काफ़ी ज़्यादा है, मेरे लिए अच्छा होना चाहिए था, लेकिन कुछ समय से थोड़ा सा कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो ट्राई थोड़ा सा लेट हुआ। तो धीरे धीरे आगे को बढ़ते रहेंगे, और आपको आशा करते हैं कि बहुत सारे ब्लॉग्स नए आते रहेंगे, और आप नए इन्जॉय करेंगे, और हमें पहुँचाएंगे बुलंदियों की तरफ, और लेके आएंगे वहीं पहाड़ों के हसीन नज़ारों के साथ नए से ब्लॉग। चलो चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे पे नए ब्लॉग के साथ, और नई कुछ झलकियों के साथ, नई मस्ती मजाक के साथ। तो मेरे साथ बने रहिएगा, और हाँ, थोड़ा सा हार्ड है लेकिन शेयर कीजिए दबा के, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, और फ्रेंड लोगों को भी भेजिए, भैया सब्सक्राइब करना है मेरा चैनल है। चलो इन्जॉय करें, ठीक है।